अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार मटन दरबारी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और टेस्ट में बहुत ही लजीज है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना और पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बनाते हैं मेरे अंदाज में। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि नई नोटिफिकेशन मिल सके। इसके लिए मसालों का पेस्ट बनाना है। यहाँ पर पैन में 10 से 12 काजू हम ऐड कर लेंगे और इसे हल्का सा भून लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 दालचीनी का पीस, 2 बड़ी इलायची, 2 तेज़पत्ते और 4 लौंग और 2 सूखी लाल मिर्च। अभी इन्हें 30 सेकंड के लिए भून लेंगे हम। इस तरह से हम तेज़पत्ते और लाल सूखी जो लाल मिर्च है उसे इस तरह से प्रेस करते हुए भून लेंगे। अब इसमें हम राई ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून तिल ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून खसखस ऐड करेंगे और इन सबको अच्छी तरह से भून लेंगे हम हल्की आंच पर। सारी चीज़ें अच्छी तरह से भून चुकी हैं। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, एक जार में निकाल लेंगे। इसमें 1/2 कप पानी ऐड करेंगे और इसे ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे इस तरह से। अभी कुकर में 1/2 कप ऑयल ऐड करेंगे हम। इसमें 2 बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे हम मीडियम साइज की और इसे हल्का सा ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। देखिए ये फ्राई हो चुकी है, इस तरह से कलर आ जाना चाहिए। अब इसमें हम मटन ऐड करेंगे, 1/2 केजी मटन ही ये। अब 2 से 3 मिनट के लिए हम मटन को भून लेंगे इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाने तक। अब इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे और 1 मिनट के लिए और भून लेंगे हम। अब इसमें बारीक कटे हुए 3 टमाटर है ये, इसे ऐड कर लेंगे और इसे भी भून लेंगे हम 2 से 3 मिनट के लिए। टमाटर अच्छी तरह से भून जाने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी और 2 टीस्पून लाल मिर्च ऐड करेंगे और इनको मसालों के साथ भी भून लेंगे हम 2 से 3 मिनट के लिए। जितना अच्छा ये भुनेगा उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा ग्रेवी में। स्टेप बाय स्टेप जैसा मैंने सारी चीज़ें ऐड की हैं इसी तरह से ऐड करते जाएंगे और भूनते जाएंगे हम। देखिए ये टमाटर और मसालों ये अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे 1 कप और इसे प्रेशर कुक करेंगे हम 3 से 4 सीटी के लिए। चलिए कुकर को खोल कर देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और मटन भी अच्छी तरह से गल चुका है। अब हमने जो पेस्ट बनाकर तैयार किया था वो ऐड कर लेंगे इसमें। बाउल में थोड़ा सा पानी मिलाकर उसे भी ऐड कर लेंगे हम। अब इसे हमें भूनना है तेल छूटने तक 5 से 8 मिनट के लिए। तेल छूटने लगा है, इसमें हम 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। इसे भी मिला लेंगे हम। देखिए ये भुन चुका है लेकिन ये बहुत ही गाढ़ा है, हमें इसकी ग्रेवी बनाना है। इसमें पानी ऐड करेंगे हम 1 कप। अतराफ से इस तरह से पानी डालेंगे हम और मिला लेंगे इसे। देखिए इस तरह से कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए इस ग्रेवी की। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया हम डालेंगे और मिला लेंगे और इसे दम पर रखेंगे हम 5 मिनट्स के लिए। चलिए चेक करते हैं। देखिए तरी ऊपर आ चुकी है, अब इसे डिश आउट करती हूँ मैं।
देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है इसकी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, और टेस्ट में बहुत ही लाजवाब है। थोड़ा सा हरा धनिया इसे गार्निश करने के लिए डालेंगे हम। अब ये बिल्कुल रेडी है। पराठे नान के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है ये, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।